वेलकम बैक टू आवर चैनल गुनगुनादी किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं हूं रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुनाद किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं नहाने से पहले मैं सोची कि किचन का थोड़ा सा क्लीन कर दूं, किचन का सफाई कर दूं, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, गर्मी थोड़ी कम है। तो मतलब मैं कई दिनों से सोच रही थी कि किचन की सफाई करूँगी, तो आज मैं सोच के ही उठी हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा कर ली हूँ अभी और ब्रश करके चाय भी पी ली हूँ। इसके बाद मैं किचन में लग गई हूँ, पहले किचन की सफाई करूँगी, फिर नहाऊँगी, इसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ और अभी मैं चलाई हूँ यहाँ आर ओ का पानी, ठंडा ठंडा आ रहा था। तो मैं अभी सारा बॉटल भर के रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो मैं सारा बॉटल ही भर के फ्रिज में रख देती हूँ और इसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ सत्तू की कचौरी और उसके साथ देखती हूँ सब्जी बनाऊँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो कॉफ़ी या चाय के साथ हम लोग खा लेंगे। तो क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया है, किचन की पूरी सफाई में करने लगी थी इसलिए लेट हो गया है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ आटा और इसके बाद सत्तू बनाऊँगी, इसके बाद और नाश्ता हम लोग करेंगे। तो मैं सारा ही कचौरी एक साथ भर ली हूँ ताकि बार बार भरने की परेशानी ना हो। और ये देखिए इधर दोपहर का भी खाना का मैं तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है। और ये देखिए एक बैच का बन गया मेरा ये कचौरी, दूसरे बैच का बन रहा है, अभी जितना है उतना तल लूँगी। फ्रेंड्स हमारा कॉफ़ी भी बन चुका है और इधर कचौरी भी है, तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने, सब लोग कर लिया है तो प्लीज़ आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैं चावल बैठाने आई थी तो मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, क्योंकि मेरे पास बहुत पहले का ही ड्राई फ्रूट का पाउडर पड़ा हुआ था कि मैं अपने बच्चों लोगों को दूध में मिला के मिक्स करके पिलाऊँगी, तो ये लोग नहीं पी रहे थे दूध में, वो मिला देने से पी ही नहीं रहा था बाबू। तो इसलिए मैं सोची कि इसका और ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ काट काट के, इसके बाद मैं बना देती हूँ इसका लड्डू, तो हो सकता है कि खा भी लेगा और हेल्दी भी हो जाएगा। तो वही ड्राई फ्रूट ये पाउडर है तो इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, और वैसे तो मैं भून के ही बनाई थी पाउडर इसका, लेकिन थोड़ा सा और भून लेती हूँ और इसके बाद इसमें सारे ही ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा गोंद डाल देती हूँ, हेल्दी भी हो जाएगा। और इसी में मैं अब चीनी डाल दूँगी, अब थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और अपने हिसाब से चीनी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स और जितना
वो जो मैं पाउडर भून के रखी हूँ वो सब मिक्स करके और मैं बना लूँगी लड्डू। और इधर मैंने घी भी आज निकाला हुआ था, तो ताज़ा घी था तो इसलिए मैं सोची कि ताज़ा ताज़ा बना दूँगी, तो थोड़ा सा है तो ये लो दो तीन दिन में खा के अपना ख़त्म भी कर देगा। वैसे पाउडर बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और इतना हमारा ये टेस्टी, इतना बढ़िया हमारा ये लड्डू बन गया था कि मैं सोची भी नहीं थी कि इतना एकदम बढ़िया लड्डू बन जाएगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी हमारा ये लड्डू बन के रेडी हो गया है। तो अभी ये लोग खा लेगा, अपना ख़त्म हो जाएगा। और अभी फ्रेंड्स हो गया है शाम का टाइम, ये देखिए शाम में हमारे यहाँ आ गई है बारिश, हम लोग बारिश का मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए तो है फ्रेंड्स, सब खाना पीना हो गया है और हम लोग आ गए हैं सोने, और बच्चे इधर सो भी गए। सो गए कि जग गए बाबू? तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। और हम लोग ओढ़े हैं क्योंकि एक तो बारिश हुई है और ऊपर से एसी भी चल रहा है, तो थोड़ा एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है, इसीलिए हम लोग ओढ़ के सोए हुए हैं।